बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और सीएम नीतीश कुमार कल शाम पटना से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। वहीं आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिल सकते हैं साथ ही, और उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने का भी नीतीश कुमार का कार्यक्रम है। मुलाकात में 2024 की आम चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अपने इस दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर कई और नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। लिहाजा सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से राहुल मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल मिश्रा, देखिए नीतीश कुमार पहुंचे हैं और आपको याद होगा इसके पहले भी मुलाकात हुई है विपक्षी नेताओं से, लेकिन क्या इस मुलाकात के अगर हम मायने को समझें तो 2024 मिशन, लेकिन क्या इतना आसान है एक करना? आपने ये सवाल जरूर सही कहा कि आपने क्या ये एक साथ करना जो है आसान है। ये सही बात है कि आसान है या नहीं है, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो तीसरे मोर्चे की कवायद ये पहली बार नहीं हुई है। तीसरे मोर्चे की कवायद पहले से ये चलती आई है, लेकिन कहीं सीधे तौर पे देखा जाए तो उस तीसरे मोर्चे को कभी भी एक साथ बना नहीं पाए और ना ही एक सभी जो विपक्षी दल हैं एक मंच पे नहीं आ पाए। इस बार फिर से एक बार कवायद शुरू हुई है जरूर, और उसी के लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। कल उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, देर शाम को मुलाकात की थी, और उसके बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे से भी 12:30 बजे करीब में मुलाकात करेंगे। और ये माना जा रहा है कि तकरीबन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात इनकी हो सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, और एक बार ये जरूर कहा सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव के पहले तीसरे मोर्चे की एक कवायद सारे विपक्षी दल जो है एक साथ एक मंच पे लाने की एक कवायद कहा सकता है। इसके पहले यदि कहा जाए तो तमाम दूसरे जो विपक्षी दल भी हैं उन्होंने कई बार कवायद की है, तीसरे मोर्चे की बनाने की कवायद की है, लेकिन वही ढाक के तीन पात सारे के सारे को एक मंच पे लाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल रहा है। और इस बार कोशिश एक बार इस बार नीतीश बाबू ही कर रहे हैं। अब इंतजार करना होगा कि क्या तीसरा मोर्चा इस बार सफल होता है, विपक्षी एकजुट होकर के क्या जो बीजेपी सरकार है बीजेपी है उसके खिलाफ एकजुट होकर के और क्या फाइट कर सकते हैं, ये इंतजार करना होगा, क्योंकि एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई और उसी के तहत ही आज मल्लिकार्जुन खड़गे से भी यहाँ पर मुलाकात इनकी होनी है। तमाम क्योंकि विपक्षी दलों की यदि बात किया जाए अलग अलग रीजनल पार्टीज हैं, अलग अलग रीजनल पार्टीज को एक साथ लाने की ये कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। चाहे आप देखें तो जैसे राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस है, क्योंकि जब खड़गे से मुलाकात होगी तो वहां पर भी चर्चा जरूर होगी कि किस तरीके से एक साथ हो करके और फाइट किया जाए, एक साथ हो करके 2024 में एक साथ लड़ा जाए, जिससे कि कहीं सीधे तौर पे जो बीजेपी है उसको धराशायी यहाँ पर किया जा सकता है। ये एक कवायद है, अब देखना ही होगा कि इस बार क्या तीसरा मोर्चा बनता है या नीतीश कुमार इस बार सफल होते हैं, क्योंकि कवायद की शुरुआत इन्होंने की है। अब इंतजार करना होगा कि क्या ये इस बार सफल होता है, तीसरा मोर्चा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये समय के गर्भ में ही है। बिल्कुल, लेकिन राहुल सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए नीतीश कुमार ने ये पहल की है और यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि देखिए उन्हें पीएम बनने की जो महत्वाकांक्षा है, बार बार भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है। लेकिन राहुल मिश्रा सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि जो आपने भी अभी जिक्र किया, इतना आसान तो नहीं है कि एकजुट करना, क्योंकि कई बार हमने देखा एक मंच पर भी आए, 2014 भी आपको याद होगा एक साथ मंच पर तो आ गए लेकिन आपने देखा कि कुछ भी उसका असर नहीं हुआ, उसको धरातल पर नहीं ला पाए। नीतीश कुमार ने एक बीड़ा उठाया, खासतौर पर देखिए नीतीश कुमार लगातार स्टेटमेंट कम देते हैं लेकिन वो पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, आज जैसा कि आपने बताया मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। राहुल ये भी जानना चाहेंगे क्या उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से भी होगी, राहुल गांधी से भी होगी, ऐसी कोई जानकारी और भी किसी नेता से होने वाली है मुलाकात? देखिए क्योंकि टाइम अभी मुकर्रर यदि कहा जाए तो खड़गे से ही मुलाकात का समय मुकर्रर हुआ है जो कि 12:30 बजे का है, उसके बाद अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिलने का जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इनका समय लिया गया है, लेकिन जब अभी समय कंफर्म नहीं हुआ है उनसे मुलाकात करने का। दूसरी बात ये कहा जाए कि क्यों आखिर में तीसरा मोर्चा सफल नहीं हुआ, तीसरा मोर्चा बना क्यों नहीं और तीसरा मोर्चा सफल क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी चीज कारण क्या है कि इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी जो क्षेत्रीय पार्टियां हों चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों, जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी सभी की एक एक कॉमन एजेंडा अपना अलग अलग होता है,
और उनको एक साथ में संजोना, एक लीडरशिप के अंडर में फाइट करना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अलग अलग राह होती है सभी की, और इसमें सभी एक दूसरे को कहीं सीधे तौर पे अपना जो हित है उसको सबसे ज़्यादा साधने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर मोर्चे का जो है गठन नहीं हो पाता और मोर्चा सफल नहीं हो पाता है। और इस बार देखना ये होगा क्योंकि 2024 का हम चुनाव की यदि बात करेंगे तो कई पेंच इसमें भी आएगा कि आखिर में यदि तीसरा मोर्चा बनता है तो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन होगा, तीसरा मोर्चा बनता है तो किसको कितनी सीट। विपक्ष, तमाम विपक्षी दल समझ भी रही है राहुल कि कांग्रेस पार्टी के साथ लेकर ही वो मोर्चा खोलेंगे, और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये भी बात है कि क्या ये सफल हो भी पाएगा, क्योंकि बीजेपी के रथ को रोकने की कवायद की जा रही है, और देखते हैं इस मुलाकात के क्या कुछ मायने होंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।